तो ऑपरेशन ज्ञानवापी में जो पहला सर्वे हुआ था उसका पूरा वीडियो न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है, और निश्चित तौर पर यही तस्वीरें जो हैं जब एएसआई का अब सर्वे चल रहा है उसमें भी तस्वीरें यही मिलेंगी, यही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कैमरे ने जो पहले देखा वो दो साल बाद बदल जाए ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी फर्दर डीप स्टडी और एनालिसिस होगा। हमारे साथ इस पूरे मामले के दो पैरोकार भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, सुशांत के साथ, मेरे सहयोगी के साथ। सुशांत, एसआई को कुछ अलहदा मिल जाए ऐसा नहीं, क्योंकि तस्वीरें जो कैद हुई हैं वही एसआई के कैमरे में भी और लोगों को कैद होंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में जो हिंदू नागर शैली होती थी मंदिरों को बनाने की उसकी जो रूपरेखा है उससे मेल खाती दिख रही है। बिल्कुल, ये जो निशान मिल रहे हैं इतिहासकारों ने भी ये माना है कि ये जो नागर शैली के द्वारा जो मंदिर स्थापित किए जाते थे उसके मंदिर के प्रतीक चिन्ह इसी तरीके से होते थे। हमारे साथ तेन सिंह सेन जी हैं। सेन जी, ये बताइए कि जो नागर शैली के द्वारा जब मंदिर होते थे, आपने भी रिसर्च किया है क्योंकि आप राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो इसी तरीके के निशान वहाँ पर आते थे, क्योंकि आज जो सर्वे हो रहा है ये उसी जगह पर हो रहा है और एक साल में बहुत कुछ बदल तो नहीं जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो जरूर वहाँ बदला गया है पिछले वर्ष एक वर्ष में, और इसी कारण मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है, क्योंकि जब से ये साधारण कमीशन की कार्रवाई हुई तब से मुस्लिम पक्ष एक तरह से मानसिक रूप से दबाव में आ गया और परिसर के अंदर कई तरह की तोड़फोड़ का कार्य प्रारंभ हो गया, चूँकि परिसर कहीं ना कहीं वर्तमान समय में उन्हीं के अधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के द्वारा परिसर उनके कब्जे में, एक तरह से कुछ हिस्सा उनके कब्जे में, तो निरंतर वो क्षति पहुंचाई जा रही है। हालांकि कितनी भी क्षति पहुंचाई गई हो, लेकिन चूंकि पूरा स्ट्रक्चर, पूरा परिसर हिंदू शैली में बना हुआ है, सनातन शैली में बना हुआ है, इसलिए उसको पूरी तरह मिटा पाना असंभव वाली बात है। तो जी, आप तो अंदर गए थे, हम देख रहे थे बहुत देर तक, आप दिखा भी रहे थे कैमरे पर, कैद भी आपकी आवाज़ हुई है, तो क्या लगता है एक साल में, मात्र मई 2022 में ये सर्वे हुआ था और मई 2023 से पहले ही ये जो फिर से एक बार सर्वे के एएसआई के सर्वे है शुरू हो गया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एएसआई एक एक करके बिंदुवार रिपोर्ट दर्ज कर रही है, तो किस तरीके के साक्ष्य और मिल सकते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप जो अपने नंगी आँखों से देखा हो? देखिए, आज एएसआई सर्वे जो कर रही है इसमें मलबे के अंदर दबे हुए, जमीन के अंदर छिपे हुए मंदिर प्रांगण के पूरे का पूरा मंदिर मिल सकता है और स्पष्ट वो मिल सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जब हम लोग गए थे वहाँ पे पिछले साल तो स्पष्ट था, घंटियाँ वहाँ बन दिखाई पड़ रही हैं, घंटियों की लड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, हाथी के सूंड बने हुए हैं और तमाम मूर्तियाँ वहाँ टूट या बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, नीचे से ऊपर तक मलबों में दबाई गई हैं, आर्टिफिशियल दीवार बना करके अंदर जाने की जगह को रोका गया है, और मैं समझता हूँ कि जब ये मलबे हटाए जाएंगे आने वाले समय में पूरा का पूरा ज्ञानवापी मंदिर निकल करके समाज के और जनता के सामने आ जाएगा। और यही नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सभी न्यायालय के न्यायाधीशों से भी अनुरोध करूंगा, वो अपनी टीम बनाए, टीम बना करके नंगी आंखों से ज्ञानवापी परिसर को एक बार घूम ले। सुशांत, और मैं सुशांत हमारे साथ रंजना भी होती है, एक भी व्यक्ति हिंदू पक्ष की अधिवक्ता। सुशांत तो माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रंजना जी जुड़ चुकी हैं, हिंदू पक्ष की अधिवक्ता हैं रंजना अग्निहोत्री। कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि देखिए, जो आला मिल रहा है तहखाने में वो तो मुगल काल में भी होता था, दिया जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए, पान का इस्तेमाल तो मुगल पीरियड में भी होता था, इसमें नया क्या है? और लगातार मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है कि साहब जो भी आसपास पत्थर मिले उसी से मस्जिद बना दी गई, उसी से ज्ञानवापी बना दिया गया। वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसमें नया क्या है, इसीलिए तो एएसआई सर्वे और जीपीआर सर्वे की बात हुई है। अगर एएसआई का सर्वे हो जाएगा, जीपीआर का सर्वे हो जाएगा, कार्बन डेटिंग हो जाएगी, तो पीरियड, टाइम पीरियड निकल आएगा, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है,
क्या जो बिल्डिंग बनी है किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी कि मंदिर के मलबे से बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। यही तो हम भी कह रहे हैं कि साइंटिफिक सर्वे हो जाने दीजिए और उस सर्वे की रिपोर्ट को अदालत के सामने जाने दीजिए। अदालत खुद ही उस सर्वे की रिपोर्ट को कानून की कसौटी पर कसेगी और अदर अदालत को जो भी उचित लगेगा वो निर्णय देगी। इसमें छुपाने जैसा या डरने जैसी कोई बात ही नहीं है, इसमें सर्वे तो हो जाने देना चाहिए। आखिर बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्यों सर्वे से भागा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि सर्वे ना हो। सर्वे होगा तभी तो बात सत्य आएगी। अगर मुस्लिम पीरियड में जो चीजें यूज होती थी वो भी सर्वे में आ जाएंगी, काहे की चिंता है। ठीक है रंजना जी, ठीक है। आले पान जैसा अनुराग कह रहे हैं, जैसे कि तर्क है मुस्लिम पक्ष का, ये उस वक्त भी थे और हो सकता है मलबे से बना दिया गया हो, लेकिन घंटियां मिलना, वहां पर बाघ की आकृति उकेरे हुए मिलना, कमल का फूल मिलना, ये बिल्कुल नागर शैली के मंदिरों की वो चीजें हैं। बेलों का मिलना जो कि मुगल आर्किटेक्ट से बिल्कुल अलहदा है, जब तहखाने के और भीतर उसके पूर्वी द्वार दक्षिण द्वार की तरफ जाया गया तो ऐसी आकृतियां मिली जो मुस्लिम आर्किटेक्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। बिल्कुल सही कह रही हैं, जो भी आकृतियां दक्षिण दरवाजे की तरफ मिली हैं वो मुस्लिम आर्किटेक्चर की हो ही नहीं सकती है। वो मृड मूर्तियां हैं और वो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसमें यक्ष और द्वारपाल की भी खंडित मूर्तियां प्रतीत होती हैं। उनका सर्वे होगा तभी रिपोर्ट सामने आई, ASI अपनी रिपोर्ट देगी कि ये मूर्तियां किसकी हैं, देवी देवताओं की हैं कि द्वारपालों की हैं कि यक्षों की हैं। जो स्वस्तिक चिन्ह पाए गए, जो कमल के फूल पाए गए, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा जो उसमें टेबलेट पाया गया, तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम आर्किटेक्चर की तो हो ही नहीं सकती। और ये बात एकदम स्पष्ट है कि औरंगज़ेब ने उस स्थान में काशी विश्वनाथ के मंदिर का ध्वस्त किया और भग्नावशेषों को यूज़ करके मस्जिद बनाने की चेष्टा की, जबकि गुंबज के ऊपर, शिखर के ऊपर गुंबज जैसी आकृति बनाई गई, वो अगर आकृति हटाई जाएगी तो शिखर सामने निकल के आ जाएगा। राम प्रसाद जी, ये जो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं तहखाने की, आप तो खुद उस तहखाने में गए, आपने अपने कैमरे में तमाम तस्वीरों को कैद किया है, वो दर्शक जो नहीं जानते हैं तहखाने के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ऊंचाई कितनी है सर इसकी? देखिए तहखाना कंप्लीट मंदिर और जो सभा मंडप था उसको लेकर के एक परिसर है। तहखाने की लंबाई 160 फीट है, तहखाने की चौड़ाई 124 फीट है। कंप्लीट तहखाना और इसी पर मंदिर बना था, 125 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा, 35 फीट चौड़ा और 125 फीट लंबा एक सभा मंडप भी बना था जिसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। उसी में जी, उसमें औरंगजेब का जो छोटा भाई था वह भी संस्कृत सीखा था जी, और इसने क्रुद्ध होकर के उसका गला काट दिया। दो बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो एविडेंस या सबूत मिटाने की बात है, तहखाने में पूरी तरह से चूने के मोटे लेयर लगा लगा कर हाथ से लेप लगा दिए गए हैं जी, हमारे सभी साक्ष्य मिटाए गए हैं। चलिए तो राम प्रसाद जी, मिटा सकते थे मिटा दिए हैं, घंटियों को तोड़े हैं। सुनिए, हमारे जो वहाँ पे एक मगरमच्छ की मूर्ति मिली है वो अभी खंडित है जी, वो माँ गंगा की सवारी मानी जाती है, ये मस्जिद में कहाँ से मगरमच्छ की मूर्ति आ जाएगी? बिल्कुल सवाल यही है। दो बात मैं और कहना चाहता हूँ, बोलिए 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 राम प्रसाद जी। जो 15-20 फीट मलबा पटा है उस मलबे को खुदाई करा लीजिए, वो गिनती में संख्या में नहीं, 2-3 ट्रक सबूत आपको मंदिर होने का प्रमाण मिल जाएगा, उसको हमने नहीं डाला है। एक सबूत और देना चाहता हूँ, एक सबूत आखिरी सबूत है, आप सुन लीजिए। ये अभी पश्चिम दिशा में जो बड़ा दरवाजा दिखता है, इस दरवाजे को यदि खोल दिया जाए तो हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, और गर्भ उस दरवाजे के पहले हमारा श्रृंगार मंडप था। अभी कॉरिडोर की खुदाई में JCB से जब खुदाई हो रही थी पश्चिम दिशा में, तो हमारे मंदिर का मूल प्रवेश द्वार जी वह खुदाई में निकला है पत्थरों में, जो हूबहू डिजाइन की शैली का है।
आप इसको साक्षात देख सकते हैं, हमने उसका भी फोटोग्राफ लगाया है। चलिए तो तस्वीरें रामप्रसाद जी आपने भी खींची हैं आपके कैमरे में, तस्वीरें इस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सामने आ रही हैं, चाहे वो पान का पत्ता हो, आला हो, बाग की आकृति, कमल का फूल हो या फिर स्तंभ हो, स्तंभ पर बनी हुई घंटियां हो, लेकिन ये तमाम तस्वीरें सिर्फ एक ट्रेलर भर हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसे सबूत आने वाली रिकॉर्डिंग के हिस्से में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस दावे को, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम अगर ये पूजा पद्धति के हिसाब से बना हुआ स्ट्रक्चर था, कोई मस्जिद थी, तो वहाँ संस्कृत क्या कर रही थी? कुरान तो अरबी में लिखा गया है, घंटी का इस्लामिक पूजा पद्धति में कोई स्थान नहीं है, तो वहाँ पर घंटियों का क्या काम था, कमल के फूल का क्या काम था? तो ये तमाम सवालों के बीच अनुराग कुछ और तस्वीरें हमारे पास है। जी हाँ, ज्ञानवापी पर न्यूज नेशन के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अब तक आपने देखा कि किस तरीके से सर्वे के दौरान पान का पत्ता, घंटी जैसे आकार का स्तंभ, पुष्प, कमल और दीवारों पर संस्कृत के श्लोक दिखे।